सीन यही है कि अभी सब शो में जो थे उन सबकी डेथ हो चुकी है, फाइनली बचते हैं अभिमन्यु, गीतांजलि, गौरव और राजवीर, काव्य और राजवीर। तो अभी ऋषभ की अस्थियाँ हम लोग यहाँ पे विसर्जन करने आए हैं, तो ये सीन अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ नहीं अभी 12 हाँ काफ़ी चीज़ें हुई बीच में सीन गया, जहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें उस ऋषभ की मौत हुई है। और देखा जाए तो ऋषभ भी अपने पर्सपेक्टिव से ठीक था, क्योंकि उसे प्यार से ज़्यादा, बहुत से लोग होते हैं जिनको प्यार से ज़्यादा परंपरा प्रतिष्ठा इन सबको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और अभिमन्यु गौरव जो थे वो हमेशा उन्होंने प्यार को वैल्यू किया है, जिस वजह से अभिमन्यु अपने फैमिली के खिलाफ भी गया था कि नहीं मैं गौरव से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। फिर बीच में आदित्य आता है, वो सारा क्योस खड़ा करता है। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। हाँ खानदानी दुश्मनी हो थी पहले, जिस वजह से सब कुछ हुआ था गीतांजलि की लाइफ में, अभिमन्यु की लाइफ में, जो 6 साल एक दूसरे से दूर रहे, इतना सब क्योस हुआ, जुदाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फाइनली अब कहते हैं ना कि अब जब अंत है तो, और जब जो इंसान चला गया है यहाँ से, तो उसके बारे में दिल में कोई रंजिश रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग खुद उसकी अस्थियाँ विसर्जन करते हैं। यादें बहुत सारी हैं कि जब वो मुझे आज भी याद है, कोई लौट के आएगा, पहला शूट का दिन था, मैं बहुत नर्वस था और आज भी बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो है, हर दिन एक नया चैलेंज रहा है, एक नई जर्नी रही है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला है, स्टाफ प्लस के साथ काम करने को मिला है। तो हाँ खुश हूँ, बट हाँ थोड़ा सा मायूस भी हूँ, जर्नी थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा होता, बट हर चीज़ जो जिस चीज़ का शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, बट ये अच्छा है कि अच्छे लेवल पे अंत हो रहा है और बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, और आप सबका प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला है।